वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली रूहानी दुनिया। दोस्तों आज बात करेंगे हमदर्द की मेडिसिन जवारिश अनारेन, और जवारिश अनारेन बहुत ही बढ़िया एक दवा है पेट संबंधित रोगों के लिए। पाचन क्रिया का ख़राब रहना, मेदे की कमज़ोरी या फिर अल्सर, आईबीएस, स्टोमेज प्रॉब्लम, आंतों के अंदर, पेट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें बहुत ही बढ़िया काम करती है जवारिश अनारेन। चाहे प्रॉब्लम हो एसिडिटी की, चाहे प्रॉब्लम हो तेजाब बनने की, किसी भी तरह की समस्याओं, अपच या फिर दस्तों का लगना, मैदे की कमजोरी, ये देखिए मेरे हाथ में है जवारिश अनारेन। क्यों ये इतनी अच्छी दवा है और इतनी बीमारियों में कैसे ये काम करती, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ लगा रखी है हमदर्द में। हमदर्द कहता है कि अगर मैदे में कमज़ोरी हो, जिगर लीवर कमज़ोर हो तो ये लीवर को भी ताकत देगी, और मतली उल्टी हिचकी और के को रोकती है। अगर आपका मन होता है उल्टी करने का तो ये उसको रोकती है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि तेज़ाब बनता है और फिर उल्टी का मन करता है, कुछ लोगों के खाना जो है ऊपर की ओर आता है, ऐसे में बहुत ही मददगार है जवारिश अनारेन। लेने का जो तरीका है वो ये है कि 5 ग्राम सुबह को, 5 ग्राम शाम को, नाश्ते के बाद या फिर खाली पेट, जैसा आपकी मर्जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये क्यों इतनी मददगार है, ऐसा इन्होंने इसमें क्या लगा रखा है जो इतना फ़ायदा करती है, इतनी बीमारियों में ये काम आती है। आप अनार शीरीन, आप अनार शीरीन बोलते हैं अनार के रस को, ठीक है। आप अनार तुर्स और खांड सफ़ेद, इलायची, आबे दाना सब्ज और संबुल तेब, तवाशीर, इलायची खुर्द, इलायची कलांग दोनों लगा रखी है इन्होंने। अगर किसी को सूजन है तो ये सूजन में भी काम करेगी। संबुल तेब लगा रखा है और जरे वर्द लगा रखा है। कुल मिला के बात ये कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ लगा रखी है। पोस्त बैरून लगा रखा है, पिस्ता लगा रखा है, मस्तकी रूमी भी लगा रखी है। बहुत ही बढ़िया दवा है पेट संबंधित रोगों की, बहुत ही अच्छी दवा है। बट ये कि आप कम से कम 3-4 महीने लगातार यूज़ करें, अगर आप लंबे समय यूज़ करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दरअसल बात क्या है कि आयुर्वेद में थोड़ा परहेज भी करना पड़ता है और बाहर का खाना बंद करना पड़ता है, तब जाके पेट का मामला जो है कंट्रोल में आता है, और पेट की जो समस्या है वो बहुत तीखी समस्या होती है, जल्दी से आराम नहीं मिल पाता। ऐसे में आप लोग जो है थोड़ा परहेज करें, अगर आप हमदर्द की किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और आपको आराम नहीं मिलता तो उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आप लोग परहेज नहीं करते। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम आयुर्वेद की या हमदर्द की जितनी भी मेडिसिन है उन पर अक्सर वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चैनल के अबाउट में, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ बात करनी है, और मेरा नंबर भी है।